हेलो फ्रेंड्स, प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग दो सकुलेंट्स प्लांट की बात करेंगे, जिसमें एक का नाम है स्ट्रिंग ऑफ बनाना और दूसरे का नाम है स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता है, ये सकुलेंट प्लांट हैं, डेजर्ट प्लांट हैं, तो इनकी केयर भी उस तरह से करनी होगी सकुलेंट प्लांट की तरह। देखिए, स्ट्रिंग ऑफ बनाना इसलिए कहते हैं, देखिए ऐसे लगता है कि बनाना रखा हुआ है, इसकी लीफ ऐसे मॉडिफाई होके इस तरह से हो जाती है और ये लगता है कि बनाना रखा हुआ है। देखिए, और ये दोनों पौधे हैंगिंग के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि इस तरह से ये लटकते हुए होते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स, जब भी इनको लगाएं, हैंगिंग पॉट्स में लगाएं, और देखिए ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना, और देखिए इसे, देखिए इसे स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन कहते हैं। और दोस्तों, आप ध्यान से देखिए तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल डॉल्फिन से मिलता जुलता है, डॉल्फिन के शेप से। देखिए इसीलिए, और इसमें कितने खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स हो रहे हैं, बहुत सुंदर छोटे 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 फ्लावर्स आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पौधा विंटर में बहुत अच्छा चलता है। देखिए कितनी अच्छी तरह इसकी ग्रोथ हो रही है, इतने नीचे नीचे तक ये लटक रहे हैं बुरे। और दोस्तों, जहाँ तक इसके केयर की बात करें तो ये इसको हैंगिंग में लगाएं और इसका पॉट बिल्कुल सैलो होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। कोई भी सकुलेंट प्लांट ज़्यादा डीप पॉट में आप नहीं लगाएं, क्योंकि किसी भी सकुलेंट प्लांट का रूट बहुत छोटा होता है, ज़्यादा डीप में लगाएंगे तो उसका रूट रॉट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो पॉट के सिलेक्शन में आप ध्यान दें और इसको छोटे और सैलो पॉट में लगाएं। और जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है तो दोस्तों, इसकी मिट्टी जब भी बनाएं तो 1/4 गार्डन सॉयल, 1/4 सैंड, 1/4 वर्मी कंपोस्ट, और 1/4 में आप पैरालाइट, नीम खली और वुड चारकोल के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डालिए और ये बहुत अच्छा चलेगा, ये पॉटिंग मिक्स। दोस्तों अभी तो विंटर है, तो विंटर में तो इसको हम डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, क्योंकि अभी धूप बहुत हल्की है तो डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं। पर जब समर के मंथ में आप इसे सेमी शेड में रखें, पूरी तरह इंडोर भी नहीं रखें, क्योंकि इंडोर में जो इसके इस शेप में ये थोड़ा ज़्यादा दूर दूर पे लगने लगेगा और ये लेगी लेगी सा दिखने लगेगा इंडोर में, इसलिए सेमी शेड में ही रखें तो अच्छा चलेगा, हल्का धूप चाहिए
तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। और दोस्तों पानी की बात करें तो पानी इसमें तभी दें जब ऊपर का लेयर बिल्कुल सूख जाए, लगभग 6 दिन 7 दिन वीक में, या तो ऐसा बना लें कि वीक में एक दिन देना है, उस दिन चेक कर लें मिट्टी अच्छे से और तभी इसको पानी दें। अगर कोई भी सकुलेंट पानी कम पानी की वजह से कभी नहीं मरता, जब भी कोई सकुलेंट मरता है तो ओवर वाटरिंग होती है इसलिए मरता है। तो जब भी आप इसमें पानी दें तो आप इसकी मिट्टी चेक करके दें, और बहुत जब ऊपर का 1 इंच ड्राई हो मिट्टी तभी आप इसमें पानी दें। और दोस्तों इसमें कोई फंगल अटैक अभी तक मैंने तो नहीं देखा है इस प्लांट में, पर कभी कभी इसमें सीज़न चेंज के टाइम पे फंगल अटैक होता है। मेरे पौधे में तो अभी तक नहीं लगा है, अभी तक बिल्कुल हेल्दी पौधा है और अच्छा चल रहा है। तो जब भी इसमें कोई भी फंगल अटैक हो तो आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डालकर और उससे इसका स्प्रे कर दें तो पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये था दोस्तों दोनों हैंगिंग प्लांट्स की बातें, स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन और स्टिंग ऑफ बनाना। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। बाय फ्रेंड्स।